देश के दिग्गज फंड मैनेजर में से एक हर्षा उपाध्याय साहब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी के कोटक म्यूचुअल फंड से हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हर्षा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं क्योंकि अमेरिका ने कल डाउन ने फिर से लाइफ हाई बनाया तो इतना तो रेस्पेक्ट बनता है। तो सर पहले बताएं अमेरिकी बाजारों का हाल, जो ये कुछ तेजी का माहौल बना है, ग्लोबल मार्केट से संकेत हम अच्छे ही लेके चले, कोई रिस्क डर खतरा वो रिसेशन टाइप वो तो नहीं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल, जो अगर यूएस मार्केट्स की बात करें वहां पे तो एक बुलिश अंडरटोन बरकरार है और हमें लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट का वो भी एक तरफ से हो जाना चाहिए। ओवरऑल अभी इतना तो मंदी नहीं है कि एक रिसेशन का जो बीच में एक दो हफ्ते पहले जो आशंका थी उस पर भी बहुत ज्यादा कंसेंसस ओपिनियन नहीं बन रहा है, तो हमें लगता है कि ये अभी शुरुआत है इंटरेस्ट रेट कट्स की और कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स दिखाई देंगे। लेकिन जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट साइकिल रहेगा वो इतना डीप इंटरेस्ट रेट साइकिल नहीं रहेगा, शायद ये शैलो रहेगा ये हमारा मानना है, लेकिन फिर भी वो एक तरफ से इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए और उसी के चलते हुए एक तरफ से डिस्काउंटिंग भी थोड़ा बहुत हो रहा है उस एक्सपेक्टेशन का। जी हर्षा सर देखिए आपके पास तो पैसे बहुत है, फंड में लगातार आ रहे हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर बड़े कॉन्फिडेंट है, भरोसा करके दे भी रहे हैं। काफी लोग बोल रहे कि देखिए लोकल फंड तो मजबूत है ही, ये अमेरिका में शायद ब्याज दरें घटने लगे तो फिर एफआईआई का पैसा भी आएगा, ऐसा सोचना उम्मीद रखना सही है या थोड़ी ओवर एक्सपेक्टेशन है? कुछ हद तक वो एक्सपेक्टेशन सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ अलग ज्योग्राफी में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी में और इंडिया में आ सकते हैं, वो ऐसे भी नहीं रहता। लेकिन जो इंडिया में पैसा आ सकता है उसमें थोड़ा सा बढ़ावा दिख सकता है, लेकिन एक 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 जो रोड ब्लॉक बना हुआ है आजकल इंडियन इनफ्लो के लिए वो ये चीज है कि हमारे वैल्यूएशन तो हर बार महंगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज के दिन में जो महंगा वैल्यूएशन है उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, करीब करीब 60-80% आगे चल रहे हैं जो एवरेज वैल्यूएशन इमर्जिंग मार्केट का जो वहां से, और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ये करीब 40-45% आगे चलते थे। तो उस हिसाब से अगर कोई वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरेन निवेशक, वहां पे एक थोड़ा दिक्कत है कि इंडिया के जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगे दिखते हैं रिलेटिव बेसिस पे। वही कारण से शायद पिछले अगर 7-8 महीने से अगर आप देखेंगे तो कुछ खास फॉरेन फ्लोज नहीं आए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा फॉरेन फ्लोज पे डिपेंडेंट है, जैसे आपने भी कहा और हमने भी देखा है इंडस्ट्री के फ्लोज डोमेस्टिक इंडस्ट्री के फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग है, तो एक तरफ से जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर फॉरेन फ्लोज आएंगे तो थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट। बात तो सही है कि थोड़ा वेरिएशन महंगे इस वजह से वो बेचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेचने के बाद वापस फिर 24,000 पे बेचते हैं, 25,000 पे लेने आते हैं, आप तो हैं स्मार्ट, जब वो बेचते हैं तब आप भर भर के ले लेते हैं, तो सारा सपोर्ट लोकल फंड से ही आए। जो फ्लोज आप देख रहे हैं आपको लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स के फ्लो म्यूचुअल फंड में जो हैं वो बने रहेंगे और बढ़ेंगे? अनिल जी इसमें हम दो भाग में विश्लेषण करना चाहिए, एक तो है जो एसआईपी फ्लोस है, जैसे आप देख रहे हैं हर महीने करीब कुछ 100-200-300 ऐसे करोड़ से बढ़ते जा रहा है, तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक हैबिट बन चुका है, स्टैगर्ड डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और नए नए इन्वेस्टर्स भी इस हैबिट को अपना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव शायद देखने को नहीं मिलेगा, एक तरफ से एक स्टडी फ्लोज यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने देखेंगे तो एक तरफ से बहुत ही ज्यादा फ्लोज आ रहे हैं एनएफओस में, वो भी थेमेटिक फंड्स में, इंडस्ट्री में। ये मैं मानता हूं कि ये सेंटिमेंट की वजह से आ रहा है और ये अगर सेंटिमेंट्स में कोई रुकावट आती है तो ये बहुत क्विकली यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो एसआईपी के जो फ्लोज हैं वो तो मेरे हिसाब से स्टेडीली ग्रो करते रहे। ओके, एसआईपी फ्लोज में तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजबूत रहेंगे। अब आइए थोड़ा हमारे बाजारों के डायरेक्शन पर भी राय ली जाए, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि थोड़े से वैल्यूएशंस महंगे हैं, 25,000 लाइफ हाई पर हैं, खरीदे बेचे होल्ड करें, किस तरह की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स रखने चाहिए?
देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस लेवल पे भी निवेश करना कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं दिखता है। एक थोड़ा बहुत लार्ज कैप टिल्ट रख के आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस वैल्यूएशन लेवल पे बिना कारण भी मार्केट्स में करेक्शंस के वोलेटिलिटी के बाउट्स आ सकते हैं। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए एक तरफ से कॉशन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो फंडामेंटल लेवल पे थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दिए हैं अर्निंग्स लैंडस्केप में। पहली बार कोविड के बाद एबिटा ग्रोथ जो है वो सिर्फ 5% रहा निफ्टी बास्केट का। अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें, वो सिर्फ 4% से ईयर ऑन ईयर लेवल से ग्रो इस क्वार्टर में। तो यानी कि पहली बार करीब करीब 4 से 5 साल के बाद ऐसे एक धीमी गति से जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है उसका एक आया है नतीजा। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो शायद वैल्यूएशंस और महंगे दिखेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस में तो मिड टीन्स या उससे भी आगे की अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। तो जरूर हमें देखना है कि क्या एक ही क्वार्टर का एक ब्लिप था या सेकेंड क्वार्टर में भी ये नतीजे कंटिन्यू होंगे। तो उस हिसाब से मार्केट का थोड़ा शॉर्ट टर्म का डायरेक्शन डिसाइड होगा हमारे हिसाब से। ओके, तो ये आपके लिए राय है। अच्छा, आपने कहा सेलेक्टिवली ही पैसा लगाना चाहिए इस मार्केट में। कहाँ आपको मौके दिखते हैं, कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आपको ठीक नजर आते हैं? देखिए, पिछले एक एक तिमाही में हमने इंडस्ट्रियल ऑटो ऑटो एंसिलरी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके हम कंजम्पशन आईटी और बैंकिंग में थोड़ा शिफ्ट किए हैं। ये जरूर इसलिए किए हैं कि डिफेंसिव एक थोड़ा सा पोजीशनिंग करना था हमें मार्केट में। जैसे जैसे वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं और आपने देखा भी है कि इंडस्ट्रियल्स और ऑटो के वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे हो चुके हैं, तो हमारा यही मानना था कि जैसे यहाँ पे कोई भी कारण से करेक्शन स्टार्ट होता है तो वैल्यूएशंस महंगे रहने की वजह से करेक्शन वो डीपर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट बनाया है पोर्टफोलियोस में, कंजम्पशन आईटी और बैंकिंग में थोड़ा शिफ्ट किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऑटो और इंडस्ट्रियल से हम कंप्लीटली बाहर निकल गए हैं, सिर्फ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमने की है कुछ पिछले महीनों में। एक बात है, तो काफी कुछ आपके लिए अभी भी मौके हैं कंजम्पशन बैंकिंग आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाने के। हर्षा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और धन्यवाद ऐसे मैम। ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाजारों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। कोटक म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय साहब, 24,000